नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। और यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में जो कि आज लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें, आपको कंफ्यूजन क्रिएट जरूर हुआ होगा क्योंकि कहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि आज चंद्र ग्रहण है तो कहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव भारत देश में नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत में पड़ने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत पर किस प्रकार से पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव इंडिया में पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि कुछ कह रहे हैं कि नहीं पड़ेगा, तो आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण और एक उपछाया वाला चंद्र ग्रहण। अब यहाँ पर जो इस बार है वो उपछाया वाला चंद्र ग्रहण है। दरअसल आपको बता दें, इस चंद्र ग्रहण के अंदर जो रियल वास्तविक जो पृथ्वी की छाया होती है वो नहीं पड़ती है, बल्कि जो एकदम से बहुत धुंधली सी छाया पड़ती है चांद पर, जिसकी वजह से यह चंद्र ग्रहण होता है। दरअसल आपको बता दें, ये जो खगोलीय घटना है या कह सकते हैं कि जो भौगोलिक कंडीशन है वो इस प्रकार से होती है कि चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है और इस वजह से हमें चांद चमकता सा प्रतीत नहीं होता है। लेकिन दरअसल आपको बता दें, जैसा कि हमने बताया कि रियल में अब की बार एक लाइन में नहीं होंगे। जी हाँ, एक लाइन में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से चंद्रग्रहण नहीं होने वाला है। दरअसल आपको बता दें, जो पेनरबा यानी कि हम कह सकते हैं जिसमें बहुत ही धुंधला सा वहां पर अंधेरा पड़ता है, उसे कहते हैं पेनरबा, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आज चांद। दरअसल आप नहीं देख सकते हैं कि ऐसे कहां पर पड़ रहा है चांद, लेकिन आपको रात को चंद्र ग्रहण दिखाई जो देगा वो आपको सीधी आंखों से नहीं देखा दे सकता, क्योंकि जो चांद पर जो चांद की चमक है वो चमक तो रहेगी लेकिन उसके आगे एक धुंध सी आ जाएगी। इस जिस ठीक उसी प्रकार से जब हल्की आंधी आती है तो आपको सामने वाला घर होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, उसी प्रकार से अब आपको चांद दिखने वाला है। इसे कहते हैं उपछाया वाला चंद्र ग्रहण। अब उपछाया वाला चंद्र ग्रहण कब स्टार्ट होगा, अब बात यह कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि रात 10:37 पर चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा और इसका जो लास्ट हम कह सकते हैं कि जो चंद्र ग्रहण खत्म होगा 2:42 पर, यानी कि टोटल 4 घंटे से भी ज्यादा तक रहने वाला है। साथ ही अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करी जाए 4:01:47 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो शायद आपको इस वीडियो को देखने के बाद वैज्ञानिक रूप से तो इसका कारण पता चल ही गया होगा कि आखिर आधे लोग इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बता रहे हैं, आधे नहीं बता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।